दिल दिया गल्ला। What the heck अम्मो, ये कहाँ फंसा दिया तूने? तेरे रूम से कुछ लाना होता तो मैं यूं ले आता, लेकिन तेरे डैड के रूम से तेरे ग्रैंड डैड की लिखी हुई लेटर का बॉक्स निकालना, सो स्केरी। प्लीज गॉड हेल्प मी। ओके आरती, यू कैन डू इट। आदि, तुम्हें सब पता था ना वीर, तुम्हें पता था ना अमृता किसकी बेटी है, उसका इस घर से क्या रिश्ता और वो क्यों आई है यहाँ पे। तुमने किसी को कुछ नहीं बताया, टीचर और बाऊजी को तो छोड़ो, मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया तुमने, चुपचाप उसके साथ फ्लर्ट करते रहे, है ना? अरे ऐसा कुछ भी तुम्हें कैसा है वीर? इतने सालों से तुम डीजे और बाऊजी को रोते हुए तड़पते हुए देखते आ रहे हो, और जिस इंसान की वजह से ये सब हो रहा है, तुम उसी की बेटी को उन्हीं के घर लेके आए और छुपा के रखा। मुझे भी नहीं पता था। जब पता लगा तब क्यों नहीं निकाला उसे घर से बाहर? क्यों उसका पासपोर्ट और ये सूटकेस छुपा के रखा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? What are you doing here? ये मेरा घर है आदि। Yes, yes, नहीं मतलब at this time तो आप क्लिनिक में रहते हैं ना? Oh, ये भी नहीं थे। Actually मुझे डिनर पे जाना था मासी के साथ, तो चेंज करने आई थी। But तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें घर की चाबी किसने दी? अमु, अमु एक्चुअली वो अपनी घर की चाबी जो है वो मुझे दे गई। या आई एम हियर फॉर हर ओनली। उसे कुछ नोट्स चाहिए थे अपने रूम से, दैट्स व्हाई आई एम हियर। पर ये उसका रूम नहीं है, एंड यू नो दैट राइट? ये अम्मू का रूम थोड़ी है। ये अम्मू का रूम नहीं है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी आंटी। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम सो टायर्ड, आई हैव बीन लाइक स्टडिंग द होल डे, एंड फिर अम्मू ने एक काम दे दिया, सो आई एम रियली सॉरी, आई विल जस्ट हेड। हाँ अरे आस्था बहन, रेडी हो गई? नहीं मान, जस्ट 5 मिनट्स। एनीवे अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू सो मच आंटी, यू आर सो स्वीट, बाय बाय। कम ऑन आडी, कम ऑन प्लीज आडी, जस्ट सेंड मी फास्ट। को समझने की कोशिश कर रही है। मैं ना अभी उसे कुछ बता सकता हूँ ना ही उससे कुछ पूछ सकता हूँ। पता नहीं उसका क्या रिएक्शन और उस बात का बाऊजी पे क्या असर। तो समझ रही है ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। मुझे नहीं पता सब कुछ, तुम उसे घर से बाहर निकालो नहीं तो मैं निकाल दूंगी उसे। ये सिर्फ 2-3 दिन की बात है, वो अपनी थीसिस साइन करवाएगी और यहाँ से चली जाएगी। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा और हम भी कुछ नहीं बताएंगे। प्रॉमिस कर मुझे कि तू किसी से इस बारे में बात नहीं करेगी, खासकर अमृता से तो बिल्कुल भी नहीं। हाय रब्बा, शुक्र है, मैं तो डर गई थी। तू है? हाँ, लेकिन आप फिर से ये कमरा क्यों खोल रही है? कोई है?
और थोड़ा पानी तो दे दो। हाँ जी लेके आई। पुत्र, मेरा एक काम कर, अंदर ड्रेसिंग टेबल के दरवाजे में ना बीपी मशीन रखी है, वो लेके आ जा। मेरे पुत्र ने दी थी इनके लिए। जब ये नाराज हो गए ना, तो इन्होंने अंदर रख दी और बाहर कमरे में ताला लगा दिया। तो लिया, इनके काम आएगी। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने फिर से मुझे इस कमरे में जाते देख लिया तो? और पानी दे दो वही। हाँ जी, कोसा हो रहा है, उन्हें लेके आई। पुत्र, तू निकाल लेना चल, मैं तब तक उनको पानी दे के आती हूँ। नमस्कार राणा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। निमृत, देख भाई मकान मालिक आए हमारे। अरे, और कैसे हो भाभी जी? अब मैं ठीक हूँ भाई साहब, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। इस समय सब ठीक तो है ना? बैठ तो लेने दे। आइए। माल को कैसे आना हुआ? वो बेटे का एडमिशन हो गया है ना MBA में। भाई वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बधाई हो जी, बधाई हो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, थैंक यू जी। लेकिन राणा जी, एक बात है, आप लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा। क्यों भाई, बेटे का कॉलेज का हमारे घर में खोलोगे? अरे नहीं नहीं राणा जी, वो क्या है, मकान तो बेचना पड़ रहा है। बेटा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया पढ़ने, और आप लोगों के पास ऐसे 2 महीने का टाइम है। 2 महीने? मतलब क्या है कि आप लोग 2 महीने में आसपास में मकान और दुकान दोनों देख लीजिएगा। मकान और दुकान भी? अरे आप ये क्या उलझुल बातें करी जा रहे हो, धंधा बंद हो गया तो हम कहां जाएंगे? देखिए राणा जी, मैं भी मजबूर हूँ, एक तरफ बेटे की पढ़ाई है और दूसरी तरफ बेटी की शादी, तो इन सब कामों के लिए पैसे तो चाहिए ना। मिल जाएंगे। कहां से? हम खरीदेंगे आपका मकान और आपकी दुकान। राना,
आप इन्हें 10 लाख रुपए का चेक दे दीजिए, बाकी की बातें हम बैठ के कर लेंगे और 2 महीने में हम आपकी पेमेंट बाकी कर देंगे। अरे ये तो काफी बढ़िया हो गया, मैं तो कल ही अपनी मिसिस के साथ आता हूँ सवेरे, और हम लोग वो स्टैम्प पेपर वाला पर्चा बनाकर भी साइन कर लेंगे साथ में। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। निमृत ये क्या बोलने जा रही थी तू? मकान भी खरीद लेंगे, दुकान भी खरीद लेंगे, और पता है दुकान और मकान दोनों मिला के कितने के होंगे? जितने की भी हो, मेरा मन कहता है कि अब हम सब कुछ खरीद सकते हैं। वो कैसे खरीद सकते हैं, कोई लॉटरी लगी हमारी? आप डरो, मैं आपको समझाती हूँ। हमारे पास अभी 20 लाख रुपए हैं, अब बड़ी बीजी के जेवर भी तो हैं। आप कह रहे थे ना होशियारपुर चलते हैं, आप ठाट से चलते हैं। रिया हमें डैडी जी से एनओसी जरूर दिला देगी, और फिर वो जेवर बेचकर वो सारे पैसे लाकर इस मकान वाले के मुंह पर मारेंगे और कहेंगे कि हमें हमारे मकान और दुकान में ही रहने दे। आप चिंता नहीं करना, बस मैं रिया को एक फोन कर लेती हूँ। जा रही हो? इसके बिना ही पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट मिल गया। तुम्हें क्या लगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? मैं जानती हूं कि तुम कौन हो और यहां क्या करने आई हो। यू नो कब से पता था तुम्हें, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सही है, तुम्हारे बारे में मैं तुम्हें ही बताऊं, और वो बात भी बताऊं जो तुम सबसे छुपा रही हो। I do not know। बेवकूफ, किसी और को बनाना। क्या रिपोर्ट दे रही थी तुम अपनी मॉम को? कितनी जमीन है, कितनी बड़ी हवेली है, ऑल दैट। हाँ क्या हुआ, डॉलर्स खत्म हो गए वहां पे जो तुम हमारी प्रॉपर्टी पे हक जमाने आ गई? तुम गलत समझ रही हो। बस बस, सफाई तो तुम देना ही मत, तो तोप पे चल जानी है। और एक बात ना मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं, यहाँ की जमीन के पैसे तो क्या यहाँ की मिट्टी तक नहीं लेके जा सकते तुम और तुम्हारी फैमिली वाले। जो अब तक होता आ रहा है ना वो अब नहीं होगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए रिया, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ कुछ भी लेने नहीं आई हूँ, ट्रस्ट मी। मुझे तो अभी अभी पता चला कि ये घर मेरे डैड का है। मेरे डैड का नहीं है, मेरे दाड़ जी का है। यहाँ पर मेरे डैड का भी उनसे कोई रिश्ता है जो मुझे अभी अभी पता चला है। इनोसेंट तो बनने की कोशिश मत करना तुम, और ये मत कहना कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं तो भोली हूँ, बेचारी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या हो। तुम एग्जैक्टली अपने डैड की तरह धोखेबाज, सेल्फिश, गलत। और मेरे डैड ने कुछ गलत नहीं किया, वो इनोसेंट है। और मेरे पापा का क्या? मेरे पापा ने कितना कुछ सहा है तुम्हारे डैड की वजह से, तुम्हें अंदाजा भी है। मुझे नहीं जाना, गिव मी माय पासपोर्ट, लेट मी गो। एक शर्त पे, तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट भी दे दूंगी और किसी को कुछ बताऊंगी भी नहीं। अगर अगर क्या बोल, तो क्या चाहती हो तुम? अगर तुम अपने डैड से एक एनओसी साइन करवाओ तो
बहुत जेलोसी। बैंक का वो लॉकर खोलने के लिए जिसमें उन दोनों की चाय जिन्हें उनके लिए गहने रखे थे, जो उन्होंने अपने दोनों पोतों यानी कि मेरे पापा और ताया जी के नाम किए थे। पर तुम्हारे डैड ने दार जी को धोखा दिया और कभी इंडिया वापस नहीं आए, तो वो लॉकर कभी खुल ही नहीं पाया। मेरे डैड के पास सब कुछ होते हुए भी वो कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाए। अब तुम अपने डैड से वो एनओसी साइन करवाओ और लॉकर खुलवाओ और अपना पासपोर्ट लेके जाओ, और अगर नहीं तो ये पासपोर्ट मेरे पास ही रहेगा। और तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी कंट्री में अटक के रह जाओगे। नहीं, कहीं कोई खबर नहीं है जमीन पे सोना मिलने की। सैनी, वो लोना पिंड वाले ग्राम पंचायत को जमीन में सोना मिलने वाली चिट्ठी तूने भेजी थी ना? सैनी, मैं तुझे पूछ रहा हूं, बोल सैनी, ये तो नौकरी जाएगी तेरी। नहीं सर, नहीं, मैं बताता हूँ सर। हाँ सैनी, तुझे एक डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजा है। पढ़ा मैंने, बाकी की डिटेल्स मैं तुझे बाद में देता हूँ। तू जल्दी से एक काम कर दे, ग्राम पंचायत का ऑफिस बंद हो जाएगा। ठीक है, करता हूँ, मैं अभी करता हूँ। तेरे से बाद में निपटूंगा मैं, चल जा। ओए ये देखो, जमीन हथियाने के लिए झूठ झूठ बोल रहे हैं ये ब्रार। ओए गल सुना इसका के, अगर तुमने वीर को कुछ बताया या बताने की कोशिश भी की तो नौकरी के साथ साथ जान भी जा सकती है। भाई गल समझ? जी भाई, भाई सब सुन। भाजी भाजी भाई, चल पराट। इसके आगे क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा सर जी। ऐसी स्कीम बनाऊंगा कि जमीन 6 महीने तो क्या, 6 जन्मों तक नहीं मिलेगी चाचा जी दिलप्रीत सिंह ब्रार को। बाय बोलने का फैशन नहीं है यूएस में। क्या हुआ, भाग रही हो? फिर तुम I just wanna go। मैं नहीं रह सकती इस घर में एक भी दिन और। ठीक है, तो फिर अपना बाकी का सामान भी लेते हुए जाओ। मेरा सूटकेस तुम्हारे पास? उसी रात मिल गया था जिस दिन चोरी हुआ था, तुम्हारे पासपोर्ट के साथ। ये पासपोर्ट तुम्हें? हाँ, पर प्रिया ने तुम्हें पासपोर्ट दे दिया है, इसका मतलब ये है कि तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है। यू नो एवरीथिंग। और ये बात तुम्हें पहले से पता थी राइट? तुम फिर भी खुद को मेरा दोस्त कहते हो। तुम्हें पता है ना कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से कभी झूठ नहीं बोलता। अमृता, मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, पर मैंने ये झूठ अपने लिए नहीं बोला है। तो फिर किसके लिए बोला है? उन दो लोगों के लिए जिन दो अकेले उदास लोगों की खुशियों की चाबी बनकर आई हो तो। उनकी पोती उनकी आंखों के सामने और उन्हें पता भी नहीं है, और आज वो भी वैसे ही भागती है जैसे कुछ साल पहले उसके डैड यहां से चले गए थे।
डेयर यू। तुम्हें पता भी है उनके साथ क्या हुआ था? और तुम्हें पता है बीजी और बाबूजी पर इतने सालों पे क्या गुजरी? नहीं जानना मुझे, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। सो प्लीज जस्ट लेट मी गो। रिश्ते हमारे मानने या मानने पे डिपेंड नहीं करते। मैं सहन रहा हूँ, तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। बस इतना कह रहा हूँ कि मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। कैसा मौका? बिगड़े रिश्तों को ठीक करने का। तुम्हें पता है तुम सिर्फ अपने डैड की साइड की स्टोरी सुन के अपने दादाजी को विलन मान रही हो। क्या कभी तुमने उस बूढ़े इंसान की स्टोरी को सुना है, समझा है, जाना है? नहीं ना। उस दिन तुमने ही कहा था ना रिया से कि हमें सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुन के अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। जस्ट थिंक अमृता, अमृता उत्तर कितने हैं? अमृता, अमृता क्या हुआ बीजी? अमृता की चाय बनाई थी, न कमरे में है न गुस्सा खाने में। कितने गई होगी सवेरे सवेरे? रात ही बात हुई थी कि सवेरे की चाय इकट्ठा पियेंगे। मुझे दोबारा इंडिया कभी नहीं आना है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ हूँ। ले बता। छत पर क्या कर रही है तू? हाँ, आपकी और मेरी चाय रेट की तैयारी। आइए ना बीजी, आइए ना बीजी, आइए ना बीजी, आइए ना बीजी। बीजी नहीं है? सवेरे सवेरे फोन आ गया? बीजी मैं देख कर आता हूं, अब सब कुछ ठीक हो जाना। मुझे पूरा यकीन है ये सालों पुरानी रंजिश अब खत्म होने वाली है और अमृता बनेगी अपने दादाजी और डैड के बीच के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाली कड़ी। मैं जानता हूं ऐसा ही होगा।
ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ ਉਨਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਾਲੋ ਉਨਕੋ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਓਏ ਬਾਹਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾ ਜਵਾਬ। हाँ सैनिक, तुझे एक डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजा है, प्लीज उसे पढ़ ले और ग्राम पंचायत को मेल कर दे। ठीक है। सांप की तरह बैठे हुए हो कुंडली मार के उस जमीन पे पिछले 25 सालों से, राज लगा कि हाथ से निकल जाएगी, डंक मार दिया और वो भी अपने उस अमेरिकन पुत्र का सहारा लेके। तो वैसे तो बड़ी गालियां देते फिरते उसको लोगों के सामने। कुछ भी मत भूली जाओ खुशवंत, तू मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। किस बेटे की बात कर रहे हैं तू? उसका क्या लेना देना है इन सब से? मैं बताता हूँ चाचा जी, कौन सा बेटा। मुझे न्यूयॉर्क से फोन आया था डॉक्टर मनदीप प्राड का। और उन्होंने कुछ पैसे भी भिजवाए थे झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए। तू झूठ क्यों बोल रहा है? सच सच बताना सबको कि मैंने कहा था तुझसे पैसे खाए हैं तुम लोगों ने, शर्म नहीं आती? इसके आगे क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा सर जी। यार तू, ओए माना इनके बड़े एहसान है तेरे ऊपर, गली गली तक के खा रहा होता जो तुझे किराए का बेटा बनाकर अपने कर नहीं लाते। पर बस ना, कब तक इनकी करतूतों के इल्जाम अपने सर लेता रहेगा तू? बाऊजी ने कुछ नहीं किया, बाऊजी को तो आइडिया भी नहीं था कि मैं। बस फिर एकदम चुप। तुझे सच में अमेरिका से फोन आया था पुत्र? हाँ जी अंकल जी। तू झूठ क्यों बोल रहा है सैनी यार? झूठ मैं नहीं वीर, झूठ तू बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूं। सुन लिया आप लोगों ने भाइयों? अरे पूरे पिंड के सामने उसको अपनी जिंदगी से बेदखल किया था इन्होंने, आज फिर इसी अमेरिकन मुंडे की मदद ले रहे हो? ओए जो आदमी बार बार अपनी जुबान से फिरे, वो अगर अस्पताल बना भी ले तो क्या कोई अपनी जान उसके हवाले कैसे कर देगा? वह कोई भरोसा है इनका? ना जाने कब किसका गुर्दा बेच दे, ना जाने कब किसका जिगरा। मुंह तोड़ देना मैंने तेरा कुछ बंद। अगर एक भी फालतू लफ्ज मुंह से निकाला तूने, क्या कर रहे हो?
अपना गुस्सा टंकी पे क्यों निकाल रहे पास से? हट। नहीं सरदार जी, नहीं सरदार जी, कितनी आस से आपने टंकी बनवाई थी, जब टूट गई तो आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। अभी भी तुझे उम्मीद है संजोत कोरे, अपने उस नामुराद झूठे के बाद पुत्र से अभी भी तुझे उम्मीद है। दुर्फिटे मुंह उसका, दुर्फिटे मुंह। याद क्या कहा था खुशवंत सिंह ने? लानत है ऐसी औलाद पे, लानत है हमारे ऊपर भी जो हमने ऐसी औलाद को जन्म दिया। लानत है तेरे पे, लानत है संजोत कौर बराड, लानत है। ओए ओए मुंह काले हो गए, ओए हमारे मुंह काले हो गए। ओए उड़ गया ये, इसको टूटना ही अच्छा है। अभी भी तुझे उम्मीद है अपने उस झूठे धोखेबाज पुत्र से, अभी भी तुझे उम्मीद है और फटे मुझ उसका। उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, उन्हें लगता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया, जबकि ऐसा नहीं है। जिन परायों के लिए तूने अपनों को धोखा दिया, उनके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा तू। लानत है हमारे ऊपर भी जो हमने ऐसी औलाद को जन्म दिया। इस आदमी से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। ओए मुक्का रहा इस अमरीकी का, लानत है ऐसी औलाद पर। लानत, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। करा दिया ना मुक्का, मुझे भी गलत समझा गया। बड़ी बात को लगता है कि मैंने धोखा दिया। लानत है ऐसी औलाद पर, लानत, जबकि ऐसा नहीं है। बस पाऊजी, आपकी तबीयत खराब हो जाती है पाऊजी, रुक जाइए। शट डिपेंड हो, शट, बस कीजिए दार जी। लानत है, ओए लानत है, ओए लानत है, लानत है मेरे साथ। आप भाई साहब अमृतसर जाना है। अमृतसर के लिए मैडम जी आपको बस लेनी पड़ेगी, बस अड्डे से। बस अड्डा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मैडम जी, और मेरी गाड़ी में सीएनजी कम है, मेरी गाड़ी वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। माफ करना मैडम जी। हो गया पुत्र, फिर तबीयत ठीक नहीं लग रही, चक्कर आ गया क्या? दो मिनट आराम कर ले। अच्छा आजा, कोई नहीं। जहाज वाली टंकी बनाना तो सफल हो गया। ओए हमारे पिंड का पहला मुंडा जा रहा है अमेरिका, वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने। आराम से यहां बैठ जा बेटा, आराम से बैठ जा, बैठ जा काका, दो कप चाह दे, बैठ जा पुत्र,
पुत्र आप कहां से आए हो? यहां के तो नहीं लगते आप। और फिर ये नंगे पैर इस हालत में कहां जा रही थी? अभी जाना का ये तो नहीं पता, लेकिन कहीं से भागना था तो भाग गई। ले बेटा चाय पी ले, ये लो इसमें चीनी होती है, थोड़ी एनर्जी आएगी शरीर में। है वैसे पुत्र, कहते तो ये हैं कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी बच्ची को भी यही सिखाता हूँ, मेरी बेटी है, उसको यही बोला मैंने। क्या है कि मैं तेरा पापा तो हूं नहीं, तो मामा चाचा समझ के ना एक सलाह दे रहा हूँ, वो सुन लियो। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से भी है। जिंदगी में किसी चीज से जितना भागने की कोशिश करोगे ना, वो पलट के उतना ही आपके पीछे भागेगा। मैं भी ना अपने पिंड से भागा था, ये सोचकर कि सबको पीछे छोड़ा है, पर आज भी भाग ही रहा हूं, भागे जा रहा हूं। आप भाग के गए थे तो फिर वापस क्यों आए? सवाल अच्छा है तेरा। भागते भागते थक गया था पुत्र जी, जिंदगी में थोड़ी देर बाद ही सही, पर एक बात मेरी समझ में आई है, आप ना चीजों से ना पीछा नहीं छुड़ा सकते, आपके कर्म आपके साथ साथ चलते हैं। तो फिर जो है जैसा है उसको फेस करना चाहिए, तभी चीजें ठीक हो सकती हैं। वरना जिंदगी की इस रेस में ना आप दौड़ते जाओगे और पीछे मुड़ मुड़ के देखो और लोग आगे निकल जाएंगे आपसे। ले भाई कितने पैसे हुए? पुत्र तू एक मिनट मेरे साथ आ जा। आ पुत्र आ, एक मिनट आ जा बेटा, आ जा, मैं तेरे बाप जैसा हूं, आ जा। ले बेटा, इतनी सारी चप्पलें पड़ी हैं, इनमें से कोई भी अपनी मनपसंद की चप्पल चुन, पहन ले अपने पैरों में। ऐसे कैसे किसी की भी चप्पल ले लूं? ये किसी की भी नहीं है। मतलब? अब भाई मतलब ये कि ये वो चप्पलें हैं जो लोग यहाँ पे आए और पहनना भूल गए या जानबूझकर छोड़ गए हैं, ताकि उनके जाने के बाद किसी जरूरतमंद की हेल्प हो सके। ये देख, पुराने जूते चप्पल जरूरतमंद लोगों को दान किए जाते हैं। पता है जब मैं छोटा था ना, तो बड़े भाई साहब के साथ में आता था और इनमें से ना कोई अपने लिए पसंद कर लेता था और चप्पल पहन लेता था और 11 रुपए रख देता था। जरूरत नहीं हो फिर भी? अब एक्स्ट्रा किसको नहीं पसंद है, तू भी चुन ले। अच्छा चल, तेरे लिए मैं चुनता हूं। ये तो बेकार है, ये छोटी रहेंगी तेरे को तो जेंट। ये ले, ये ना तेरे लिए अच्छी भी है और एकदम नई की नई भी है, पहन ले पुत्र। पहनी नहीं अभी तक, तो मैंने तो इसके 11 रुपए रख भी दिए। अरे आपने क्यों दिए? मैं देती हूँ ना। नहीं नहीं पुत्र, तूने दिए मैंने दिए एक ही बात है। अब मेरे 11 रुपए की मदद से अगर तू अपनी मंजिल तक पहुंच जाए और तेरे पैरों में जख्म भी ना हो, तो मेरे तो पैसे वसूल हो गए ना पुत्र। चल अब जल्दी से पहन ले, इससे पहले कि तुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद कोई आए और ये चप्पल ही पहन के चले जाए। और इतना नहीं सोचते? सच्ची सच्ची बता, अब लौट के जाएगी ना वहां जहां से तू आई है?
बता, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ? मैंने शॉपिंग की है। एक मिनट, ये जी मेरी मिसेज, शॉपिंग इसका टैलेंट है। शेर अगर जंगल में भी अपनी दुकान खोल लेगा ना, तो ये वहां भी शॉपिंग कराएगी। कुछ भी, ये लड़की कौन है? नाम तो मैंने भी नहीं पूछा अभी तक। जी मैं अमृता। जानी पहचानी लग रही हो, हम कहीं मिल चुके हैं? ले, अब इससे भी रिश्तेदारी निकाल लेगी है? वो पंजाबियों की आदत होती है, बंदा मिलता बाद में है, पहले रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। कुछ भी, अच्छा चलो मुझे वहां पे एक दुकान पे एक और चीज लेनी है। बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अरे बहुत अच्छे हैं। वहाँ बिल्कुल नहीं जाने, तेरा बस चले ना तो एक तो रिक्शा हमारे को सामान के लिए निकल करना पड़े। एक मिनट रोक, मैं अभी आ, रोक। और हाँ पुत्र, अब तेरे पैरों में नई चप्पलें हैं, अब ये तय करेंगी कि तू किस तरफ जाएगी, चीजों से दूर भागेगी या डट कर उनका सामना करेगी। बाय, ऑल द बेस्ट। मम्मी जी, डैडी जी, कोई है यहाँ हमारा स्वागत करने के लिए? राणा, आजी पुत्र जी, सत श्री अकाल बीजी। बीजी, सत श्री अकाल। खुश रहो पुत्र। और जी मेरे बिना दर। सत श्री अकाल। खुश रहो। पुत्र, खुशियां बनाओ, सतगुरु अंग संग सहाय रहे सदा, तत्ती हवा ना लगे तेनू। बीजी, पहले से आप थोड़े कमजोर हो गए हो। नहीं तो पुत्र, मैं तो पहली जैसी हूं। तो फिर दो नायक निग्गी जी जफी अपने पुत्र को। हाँ ना मेरे बच्चे, बीजी डैडी जी ने किया है आज फिर क्या? सब्जी में नमक ज्यादा डल गया था आपसे। डैडी जी को क्या हुआ? आपको ये चोट कैसे लगी? डैडी जी, क्या क्यों हुआ? बीजी, क्या हुआ डैडी जी को? रिया,
लोग चुप क्यों हैं? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? क्या हम इस घर के मेंबर नहीं हैं? हमारा कोई हक नहीं है ये जानने का? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.